हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो ये है हमारी गाड़ी हुंडई वेन्यू SX ऑप्शनल, सबसे टॉप मॉडल है। तो इसमें जो कंपनी ने दिए हैं ना फीचर्स, वो एकदम भर भर के दिए हैं। तो इन्हीं में से कुछ फ़ीचर्स की बात करेंगे और कुछ ऐसे हिडन फीचर्स की बात करेंगे जो आपको शोरूम वाले तो बताते ही नहीं और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा। और एंटी थेफ्ट के फ़ीचर की भी बात करेंगे, जो मैंने एंटी थेफ्ट की वीडियो डाली थी। अगर वैसे वो सबने देख ली होगी, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक आ रही होगी, इस वीडियो के आप बाद आप देख लेना। तो उसमें काफ़ी लोगों ने बोलता कि अगर वो चोर बोनट खोल के ही सीधे तार काट दे, तो उस चीज़ को भी एंड में देखेंगे। तो पहले मैं आपको फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं हम, जो इसमें हमें हिडन देखने को मिल जाते हैं। उनमें से कई ऐसे फ़ीचर्स हैं जो कुछ लोगों को पता होगा और कई ऐसे हैं जो कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो शुरू में एक दो फ़ीचर हैं वो तो बेसिक्स हैं, उसके बाद जो तीसरे चौथे फ़ीचर आएंगे वो एकदम हिडन होंगे। हुंडई वेन्यू का जो सबसे मेन फ़ीचर है वो है इसका ब्लू लिंक का, जो कि कनेक्टेड कार कॉम्पैक्ट SUV में सबसे पहले यही लाई थी। अब इसकी मैं बात करूँ, इसने एक साल तक तो अच्छे से काम करा इस ब्लू लिंक ने, लेकिन अब इसने काम करना बंद कर दिया है। मतलब बहुत एरर देने लग गया है और ये अब तो 15-20 दिन हो गए ये काम ही नहीं कर रहा। तो इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि अब इसने काम करना बंद कर दिया है तो क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वैसे ब्लू तो पहले फीचर की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी बेसिक्स है और आजकल तो हर गाड़ी में मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्या पता काफ़ी लोगों ने नोटिस नहीं करा हो। तो एक बार मैं गाना प्ले कर देता हूँ। तो अब जैसा कि मैंने गाना प्ले कर दिया और इस टाइम इसकी वॉल्यूम है 4 पे 3 पे, तो मतलब मैं बताऊँ, हम जैसे गाड़ी चलाते हैं तो हमारा विज़न सामने रहता है, लेकिन जब गाड़ी रिवर्स करते हैं तो हमको पीछे मुड़ के देखना पड़ता है और रिवर्स करने के लिए काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। और वहीं अगर हम हाई वॉल्यूम पे म्यूज़िक रखते हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। तो कंपनियों ने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ये करा है कि अगर हम इसकी वॉल्यूम तेज करके रखते हैं और जैसे ही हम रिवर्स गियर अपना इंगेज करेंगे तो अपने आप ही वॉल्यूम कम हो जाएगी। वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। अब मैं आवाज़ इसकी तेज कर रहा हूँ, आप नोटिस करना वॉल्यूम में। तो आपने नोटिस करा होगा काफ़ी आवाज़ कम हो गई है और हमारा कैमरा भी चालू हो गया है। अब हम अपनी बढ़िया कॉन्सेंट्रेशन बना सकते हैं। और जैसे ही मैंने रिवर्स गियर फिर से हटाया तो फिर से वॉल्यूम अपनी ओरिजिनल पे चली गई, जो कि एक काफ़ी बढ़िया फीचर है और आजकल ये कॉमन फीचर है, सब गाड़ियों में मिल रहा है। तो अब हम अपने दूसरे फीचर की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा इस साइड। अब ये जो दो बटन है ना, इनका काफ़ी लोगों को मतलब समझ नहीं आता। ये तो हमारा हेडलाइट लेवलर है, इन दोनों बटनों का मतलब समझ नहीं आता। ये जो हमारा है प्लस माइनस का, ये है हमारा इल्यूमिनेशन का, जो कि हमारी MID की। इल्यूमिनेशन से इसका मतलब है जो आपकी ये सारी बैकलाइट स्विचेज है ना, इसकी मतलब रोशनी आपको कम करनी है या बढ़ानी है। अब अगर मैं इसको प्लस पे करूँगा तो हम MID पे देख पाओगे ये आ गया एकदम मैक्स पे, वहीं मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो ये कम होती जा रही है। तो हमारे ये जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है और ये सारे जो स्टेयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल है, इसकी सारी ये जो इल्यूमिनेशन रहती है उसको एकदम कम कर देता है। और रात में मतलब ये फिर आपको अगर ज़्यादा लाइट डिस्टर्ब करती है ना तो आप इसको कम कर सकते हो, ताकि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहे। जो तीसरा है वो है हमारा ये वाला बटन, जिस पे ऑफ लिखी रहती है। ये हमारा बटन होता है ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, बाय डिफॉल्ट ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन होता है। अगर आपको ऑफ करना है तो आप सिंपली इस बटन को दबा सकते हो और आप देख पाओगे इधर ट्रैक्शन कंट्रोल डिसेबल, और ये वाला लोगो भी आ गया कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो चुका है। ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली कुछ नहीं होता, रोड पर ग्रिप बनाने का काम करता है। जब हम टायर व्हील स्पिन होता है तो वो ग्रिप छोड़ता है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल हमारा ग्रिप देता है रोड पे और बढ़िया एकदम स्टेबिलिटी लाता है। तो इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं कोई अगर ड्रैग रेस करा रहे हैं तो, क्योंकि उस टाइम काफ़ी पावर लॉस कर देता है ट्रैक्शन कंट्रोल। वहीं हम इसको यहाँ से चालू भी कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको 2-3 फीचर बताए, ये तो काफ़ी बेसिक से थे और काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो अब हम मेनली बात कर लेते हैं हिडन फीचर की, कौन कौन से इसमें हिडन फीचर हैं। तो उस हिडन फीचर के लिए मैं एक बार गाड़ी ऑन कर लेता हूँ। तो अब जैसे कि मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है और मैं कहीं रोड ट्रिप में निकल जाता हूँ, उसके बाद मैंने ये विंडो डाउन कर लिया अपनी पावर विंडो, और मुझे याद नहीं रहता ये अप करना और मैं कर देता हूँ गाड़ी को ऑफ। तो अब इसको मुझे चढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि बार दोबारा बटन दबाना पड़ेगा, ये अपने आप अगर अप कर दोगे ना इसको तो ये काम करेगा। अब इसकी एक कंडीशन है ये जहाँ काम नहीं करता, वो है हमारा। तो अब जैसे कि मैंने गाड़ी ऑन करी, और मैं आपको एक बार उस वाली विंडो के साथ भी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये शीशा डाउन कर लिया, अब वहीं मैंने इसका भी शीशा डाउन कर लिया और अब मैंने कर दी अपनी कार ऑफ। और अब अगर मैं शीशा उसको चढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो देखो वो एकदम ऊपर जाएगा
और ये भी ऊपर जा रहा है। तो इसकी ये कंडीशन रहता है, अगर जब तक गाड़ी का कोई भी डोर नहीं खुलता ना, तो आप इन कामों को कर सकते हो। वैसे ही जैसे ही कोई वहाँ डोर खोल लेगा, तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये ऊपर नहीं जाएगी विंडो, और वो वाली भी नहीं जाएगी। तो फिर आपको दोबारा दो बार ये बटन दबाना पड़ेगा और फिर ये चढ़ पाएगी। इस फीचर का बेसिकली ये काम था, अगर आप कहीं जाते हो और आप कोई भी चीज़ खुली छोड़ देते हो, उसके बाद आपको जब तक ड्राइवर डोर खोलना नहीं है, मतलब ये सब चीज़ें चेक कर लेनी है। मैंने ऑफ़ कर दिया नहीं, अब ये चीज़ सनरूफ पे भी एप्लीकेबल है। अब मैंने जैसे कि गाड़ी ऑफ़ कर दी है, और अगर मैं सनरूफ को लगाता हूँ तो सनरूफ एकदम लग जाएगी, और वो वाला विंडो भी खुल रही है उसको भी ऑफ कर देते हैं। और ये तो हमारी अपी, अगर वहीं मैं इसको खोल लेता और जब कोशिश करता तो ये फीचर नाकाम रहता। तो इसीलिए काफ़ी बढ़िया है, मतलब गाड़ी ऑफ़ करने के बाद भी आप ये सब चीज़ अप कर सकते हो, आपको दोबारा ये दो बार बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी मुझे सही फीचर लगा, और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये पता भी नहीं होगा। पहला हिडन फीचर तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा जो हमारा हिडन फीचर है वो है हमारा इसके ये जो मतलब नेविगेशन मिलता है। अगर आप किसी NH हाईवे पर जा रहे हो और अगर उस पर स्पीड लिमिट सेट है 30 या 40 की, और अगर ये आप ट्राई करना, मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा पा रहा, वो मैंने क्लिप शूट नहीं करी थी एक्चुअली, तो आप एक बार ट्राई करके देखना अगर आपका कभी चक्कर लगता है कोई नेशनल हाईवे पे। तो अगर उसकी जैसे स्पीड लिमिट 60 है ना, और अगर आप 60 से ऊपर स्पीड चढ़ा देते हो, तो आप म्यूज़िक की वॉल्यूम स्लो करके फील करोगे कि गाड़ी एक बीप कर रही है, मतलब आपने स्पीड लिमिट एक्सीड कर दी। पहले तो मुझे टेंशन होगी कि ये बीप किस चीज़ की है, मतलब नई गाड़ी थी तो जब ये काम हो गया तो मैंने सोचा बीप किस चीज़ की है, फिर मैंने फोकस करा इस पर, स्पीड लिमिट का वो बार भी बना आ जाता है क्रॉस होकर, और वो भी ब्लिंक मारता है, और उसके साथ ये भी बीप मारती है। अगर मौका मिला तो किसी और वीडियो में मैं उसका प्रैक्टिकल आपको ज़रूर करके दिखाऊंगा, लेकिन ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है, मतलब इससे अपने चालान नहीं कटेंगे, क्योंकि आजकल जो स्पीड कैमरा लगे हुए हैं हर जगह, वो हाल सट चालान भेज देते हैं घर पे ही। तो ये आप ट्राई करके देखना, ये बीप बीप करती है, आप वॉल्यूम की मतलब म्यूज़िक की वॉल्यूम स्लो करोगे तो आपको ये महसूस हो जाएगी। ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है और एकदम हिडन है। अब जो हमारा बाकी हिडन फीचर है वो है हमारा एंटी थेफ्ट के रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने इसका सिक्योरिटी अलार्म चेंज करा लिया, जो पहले ऐसे पी पी करता था उससे करा लिया। तो काफ़ी लोग बोलते थे कि अब जैसे चोर आया एंटी थेफ्ट वाली वीडियो को देख के, तो वो अगर पैसेंजर साइड का मतलब डोर खोल के घुस जाता है तो क्या है बीप करेगा। तो उसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो पहले हम कर लेते हैं एक बार गाड़ी को इग्निशन पे, और मैं कर देता हूँ वो वाला डोर डाउन, मतलब वो वाली विंडो डाउन, और एक बार इसको भी हटा देता हूँ सनशेड को। तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसी सनशेड है, अगर ये आपको मंगानी है धूप में और गर्मियों में काफ़ी बढ़िया रहती है। अगर ये आपको मंगानी है तो आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप मंगा सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ, और इसका मैंने ये विंडो डाउन करी दी, और इसको भी इग्निशन से हटा देते हैं एक बार। तो मैंने ये भी कर दिया है काम, और इसको कर देता हूँ मैं बंद, और अब बंद करने के बाद मैं लॉक करके चले जाता हूँ गाड़ी को कहीं। तो अब मैंने गाड़ी लॉक कर दी और मैं कहीं बाहर चले गया। तो अब मैं चाबी को रख देता हूँ कहीं दूर, और मैं हूँ चोर, और ये ट्राई करते हैं एक बार पैसेंजर वाले डोर से कि अब ये बजेगा या नहीं। तो अब मैं एक बार डोर खोल के देखता हूँ, पहले तो इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ और इसको खोलता हूँ। काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि भाई आप बाहर से ही दरवाज़ा खोलते हो, अगर उसने अंदर से खोला। इस बार मैंने अंदर से खोला और आपने देखा ये बीप कर रही है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। पहला डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा, ये चारों डोर के साथ एप्लीकेबल है। अगर मैं ये भी नहीं करता ना, इसके साथ करता तो भी सेम रिस्पॉन्स आता। अब जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है उस वीडियो का, उसमें ये था कि अगर वो सीधा बोनट खोल के, क्योंकि यहीं तो रहता है अपना वो सिक्योरिटी अलार्म, उसको ही डिसेबल कर दे तो ये बजेगा नहीं। तो उस चीज़ को भी प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ड्राइवर विंडो डाउन कर देता हूँ, क्योंकि बोनट खोलने के लिए उसको यहाँ से बोनट को खोलना भी तो पड़ेगा। और अब हम गाड़ी को लॉक करके चल जाते हैं, इग्निशन में कर देता हूँ ऑफ, और ये विंडो मैंने खोली दी है, और अब मैं इसको कर देता हूँ लॉक, और अब मैं चले जाता हूँ कहीं। तो फिर से पहले चाबी को दूर रख देते हैं यहाँ पे, और अब मैं करता हूँ काम। तो आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि ये मैंने पहले ही खोल दिया था, और अब उसको डिसेबल करने के लिए बोनट तो खोलना पड़ेगा, और बोनट हमारा खुलता है नीचे से। तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ से बोनट खोलता हूँ। अब आपने देख लिया, जैसे ही मैंने मतलब ये बोनट के लिए खोला ना, तो ये बीप मारने लग गई, तो इतने में तो चोर भाग ही जाएगा। तो पहले इसको मैं ऑफ कर देता हूँ।
तो जैसा कि अब आपने देखा, जैसे ही मैंने वो बोनट खोलने के लिए इसको दबाया और ये वैसे ही बीप करने लग गई, और इतने में तो इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर पहले वाला हॉर्न देखा जाए तो वो तो काफ़ी कम आवाज़ करता था, पीपी ये तो काफ़ी लाउड है, तो चोर तो हेजिटेट होके भाग ही जाएगा। अब जब कंपनी ये फीचर देती है ना, तो ये सब चीज़ सोच के देती है कि वो बोनट खोल के भी कर सकता है, तो ये सब चीज़ इसमें कवर करके देते हैं। जैसे ही मैंने बोनट को खोला, फिर से वो एक्टिवेट हो गया एंटी थेफ्ट सिस्टम इसका। ऐसी कुछ ही वीडियो थी जिसमें मैंने आपको इसके एंटी थेफ्ट के रिलेटेड और एक दो हिडन फीचर्स भी बताए, तो काफ़ी यूज़फुल वीडियो थी। जैसे जैसे और फीचर्स को मैं एक्सप्लोर करूँगा, वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो ऐसी कुछ ही वीडियो थी। अगर वीडियो आपको बढ़िया हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल 10,000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।